दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम प्ले स्टोर के जो ऐप है उसको कैसे हम बिना इंटरनेट के वापस डाउनलोड करते हैं। दोस्तों क्या होता है, कभी कभी हमारे में जितनी सारी ऐप्स रहती हैं मोबाइल में और कभी कभी हमारे मोबाइल फॉर्मेट हो जाती है, तो हम सोचते हैं यार हमारे मोबाइल में कौन कौन सी ऐप्स थी हमें तो पता भी नहीं, और वापस आप डाउनलोड भी कर सकते हो प्ले स्टोर से, लेकिन बट क्या होता है हमें नेट खर्चा करना पड़ता है। अगर वाईफाई है तो ठीक है, नहीं तो अगर मोबाइल के नेट से अगर हम डाउनलोड करेंगे तो बहुत ज़्यादा MB हमारी खर्चा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और तो इसके लिए दोस्तों और बहुत सारे एक तो प्रॉब्लम ये भी दोस्तों, कभी कभी हम ये भी सोचते हैं यार हम प्ले स्टोर से जो भी ऐप डाउनलोड करते हैं हम उसको मेमोरी कार्ड में सेव नहीं कर पाते, क्यों? ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर जाना है। ठीक है, चलिए मैं प्ले स्टोर पर क्लिक करता हूँ और आपको सर्च बार में टाइप करना है APK एक्सट्रैक्टर। ठीक है, APK एक्सट्रैक्टर पे जब आप क्लिक करोगे दोस्तों तो आपको कुछ इस तरह से आइकॉन नज़र आएगा। मैंने यहाँ पे आपका टाइम बचाने के लिए दोस्तों इसको इंस्टॉल कर लिया हूँ, तो यहाँ से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए जितने भी मेरे एप्लीकेशन है सभी यहाँ पर शो करेंगे, मेरे सिस्टम से लेके जितने भी मेरे ऐप्स हैं जो मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हूँ या कहीं अदर से डाउनलोड किया हूँ वो सब यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी हमें करना क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 डॉट की इधर कुछ सेटिंग्स है। ठीक है, यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक की लीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों पहला जो है सेव पाथ, मतलब हमें अपनी जो ये लोकेशन है वो इसमें बताएगा। ठीक है, कहाँ पर सेव हो रही है, और देखो APK फाइल नेम सेविंग फॉर्मेट, ये जो है जो आपका जो APK अभी जो हमारा ऐप जो हमने डाउनलोड किया है प्ले स्टोर से वो APK में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सब चेक मार्क आप कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो अब बैक ले लीजिए। बैक लेने के बाद दोस्तों अगर देख लीजिए, अगर मान लीजिए हमें इसमें से कौन सी ऐप को APK बना के हमें हमारे मेमोरी कार्ड में सेव करनी है। ठीक है, मैं आपको एक दिखा देता हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने क्लीन स्टेटस बार पर ऐसे क्लिक किया। ठीक है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है इसका एक ही APK जो है क्रिएट हो गया ये ऐप का। ठीक है, और कोई एक मैं ले लेता हूँ। देखिए जैसे ES फाइल एक्सप्लोरर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये भी यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसका APK जो है बन चुका है। तो चलिए मैं बैक आके आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए हम अपने फाइल मैनेजर में जाते हैं। फाइल मैनेजर में जाने के बाद दोस्तों क्लिक करते हैं, ये देखिए दोस्तों फर्स्ट जो है एक्सट्रैक्टर APK पे, ये देखिए दोस्तों ये दोनों वही ऐप है जो मैंने वहाँ से APK में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे देखिए इसका नाम भी दे चुका है APK। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम वहाँ से हम डिलीट भी कर देंगे सामने से फिर भी यहाँ पर ये रहेगा। देखते हैं दोस्तों उसको अनइंस्टॉल करके, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर है क्लीन स्टेटस बार, इसको हमने APK फाइल में कन्वर्ट किया था और यहाँ से हम इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। ये देखिए अनइंस्टॉल कर रहे हैं इसको, और ES फाइल को भी अनइंस्टॉल कर देते हैं। दोस्तों ये दोनों ऐप मेरे अनइंस्टॉल हो चुके हैं, तो चलिए हम वापस फाइल मैनेजर में जाते हैं। ठीक है, ये देखिए फाइल मैनेजर ओपन, और देखिए एक्सट्रैक्टेड जो APK हमारी फाइल है इसको ओपन कर दे। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम चाहें तो यहाँ से इंस्टॉल भी कर सकते हैं, आपका जब भी दिल चाहे आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए बिना प्ले स्टोर पर जाए, बिना अपना कोई मोबाइल के MB और वाईफाई को यूज़ किए आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए, जब मर्जी चाहे आपको इंस्टॉल कीजिए अनइंस्टॉल कीजिए, ये आपके ऊपर है। ठीक है दोस्तों, अगर ये एक्चुअली जो है ये फ़ोन मेमोरी में सेव होता है, आप यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं मेमोरी कार्ड में, ताकि मोबाइल आपके फॉर्मेट हो जाए तो भी आपका जो भी ऐप्स है मेमोरी कार्ड में पड़े रहें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।